पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की ओर से ईडी कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था। ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। बता दें कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को ईडी की टीम ने 2 बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।